जातिवार आंकड़े जुटाकर वर्ग विशेष को लक्षित कर विकास कार्य को गति देने के बिहार सरकार के प्रयासों में कानूनी अड़चनें बाधा बन रही है। हाईकोर्ट के बाद अब जाति गणना पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर सुनवाई को भी तैयार हो गया है। तो इधर राजनीतिक धुरंधर भी इस मुद्दे पर मोर्चा संभालकर एक दूसरे पर हमला करते दिख रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। चुनावी गुणा भाग को दुरुस्त करने के लिए जाति की गिनती शुरू हुई तो सियासी गलियारे का माहौल गर्म होना लाजमी है। सियासी पार पलटवार और बयानबाजी के बीच अब सुप्रीम सुनवाई की तैयारी ने राजनीतिक दलों को एक दूसरे पर तीर चलाने का नया अवसर दे दिया है। जातीय जनगणना पर सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई तो फौरन तारीख भी तय हो गई। 28 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि जनगणना क्षेत्र केंद्र सरकार का है, बिहार सरकार के पास जातीय गणना का अधिकार नहीं है। हालांकि इस याचिका में संविधान के मूल अधिकारों के हनन का हवाला दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि ये मामला आर्टिकल 32 के तहत नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जुड़े होने के कारण इसकी सुनवाई पटना हाई कोर्ट में करने की बात कही थी। पटना हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख दी थी, फिर इसे 4 मई के लिए तय किया गया। इस बीच सुनवाई से पहले बिहार में जातीय जनगणना का कार्य पूर्ण कराने को लेकर राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली, इसलिए अपीलकर्ताओं ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि जब जनगणना पूरी हो ही जाएगी तो सुनवाई का मतलब नहीं रहेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपील के 2 आधारों को मान्य पाते हुए सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख दी है। जातिगत जनगणना पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भर दी है, लेकिन इससे सियासी माहौल की गर्माहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी तो अब सरकार पर छात्रों का भविष्य खराब करने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साध रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि स्कूल टीचर्स को जातिगत जनगणना की आग में झोंक दिया गया है। टीचर्स स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बिहार में स्कूल भगवान भरोसे चल रही है। आज किसके लिए आप बच्चों के विद्यालय से शिक्षक को हटा दिए गणना में, जातीय जनगणना में, और विद्यालय किसके भरोसे छोड़ दिए? 2 साल कोरोना खा गया और ये साल जो उम्मीद थी कि बच्चे पढ़ सकेंगे, और आप बचे खुचे शिक्षा को दुरुस्त करने के बजाय जातीय जनगणना के आग में झोंक दिए विद्यार्थी को और शिक्षकों को, क्यों ऐसा कर रहे हैं? बीजेपी के वार पर सत्ता पक्ष ने भी करारा पलटवार किया है। जहां मृत्युंजय तिवारी ने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं जेडीयू भी बीजेपी को आड़े हाथ ले रही है। जाति गणना जो हमारा राज्य का अधिकार है और माननीय नीतीश कुमार जी ने जो पहल किया, उसके असर अब दिल्ली तक दिखाई पड़ रही है। राहुल गांधी जी भी ट्वीट कर रहे हैं और कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि जब अपने पार्टी के पदाधिकारी की सूची आप जारी करते हो, उसमें जाति लिखते हो, लेकिन देश में जातिगत जनगणना करने से परहेज क्यों, ये भाजपा बताए। अब तो माननीय न्यायालय जब तक कोई फैसला नहीं दे देता, तब तक तो उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती है, लेकिन जातीय जनगणना पहले से देश में होती रही है। इसका प्रकाशन भले मोदी जी की सरकार ने ना किया हो, जो पिछली बार हुआ था, तो इसलिए जो हम मानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जब सुनवाई होगी तो उसमें जो दलीलें दी जाएंगी, उसके बाद क्या माननीय न्यायालय फैसला लेता है, तब फिर इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाए। कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगा उसको सब लोग मानेंगे,
लेकिन इसमें नीतीश कुमार जी क्यों जाति जनगणना के, ठीक है हम भी पक्ष में थे, लेकिन जाति जनगणना से क्या लाभ होने वाला है उनको पहले बताना चाहिए। तो जाति जनगणना करवा के वो खाली जाति उन्माद जो फैलाना चाह रहे हैं और सिर्फ वोट के लिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा उसको सबको मानना चाहिए और हम लोग भी मानेंगे। बिहार में जातिगत जनगणना दो चरणों में पूरी होगी, जिसमें 7 जनवरी से 21 जनवरी तक पहला चरण चला था, तो वहीं 15 अप्रैल से 15 मई तक जातीय गणना का दूसरा चरण हो रहा है। इस बीच मामले पर राजनीतिक संग्राम भी जोरों पर है, लेकिन इन सब के बीच देखने वाली बात ये होगी कि जातिगत जनगणना का मुद्दा आगामी चुनाव में किस पार्टी को कितना फायदा और कितना नुकसान पहुँचाता है। पटना से आदित्य झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।